नमस्कार दोस्तों, अंस कस्टम्स के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक और एलईडी लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। हालांकि ये अभी आपको ये उल्टी दिख रही होगी क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा से ये शूट कर रहा हूँ, माइक ख़राब है, क्या कर सकते हैं। तो ये वही हैरियर है जिसमें मैंने पहले हाई बीम और फॉग लैंप्स को अपग्रेड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। खैर, हम लोग इसका लो बीम अपग्रेड करेंगे। एक्चुअली मैं उस समय इसमें लाइट अच्छी थी क्योंकि इसमें ज़िनॉन बल्ब आती है 25 वॉट की, तो कस्टमर ने उसे चेंज कराना सही नहीं समझा उस समय। पर अब उन्हें इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसीलिए आज हम लोग इसमें लो बीम को, ये 90 वॉट की है, D5S LED D सीरीज़ की है, जिसे हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। फटाफट से मैं आपको इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद इंस्टॉलेशन करके आपको इसकी लाइट का थ्रो वगैरह कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है बॉक्स डी सीरीज़ LED की, ये D5S मॉडल की है आप देख सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है। ये 6200 केल्विन कलर टेम्परेचर की है, आप देख सकते हैं यहाँ 6200 केल्विन लिखी हुई है। ब्रांड कुछ नाइट डॉग प्रो एक्सपर्ट करके कुछ लिखी हुई है, और क्या है इसमें, बाकी आप देख सकते हैं बॉक्स में कुछ ऐसा बॉक्स है इसका, प्रो एक्सपर्ट प्रोफेशनल इन ऑटोमोटिव लाइटिंग ऐसा करके इसका दिया हुआ है। चलिए ये तो हो गया डब्बे का, अंदर देखते हैं क्या है। ये इसका मैनुअल है कि ये फिटिंग कैसे होगी, और वारंटी भी मेरे ख्याल से वारंटी कार्ड भी यही है। तो ये कुछ ऐसा इसका मैनुअल है, इसे करते हैं दूर और देखते हैं LED को। तो दोस्तों ये है कुछ LED इसकी, ऐसी है D5S मॉडल की, ये 90 वॉट की है, मतलब इसकी सिंगल 45 वॉट की है और पेयर पर 90 वॉट की। तो ऐसा कुछ LED इसका दिया हुआ है, D5S 12 वोल्ट 6000 केल्विन कलर टेम्परेचर, इसमें फ़ैन भी लगी हुई है, ये इसकी सॉकेट। तो वैसा ज़्यादा कुछ तो बचता बताने के लिए इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए करते हैं इसका इंस्टॉलेशन का काम शुरू, बाकी आगे मैं धीरे धीरे आपको इसकी फिटिंग पोजीशन वगैरह भी दिखाऊंगा। चलिए देख। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक छोटा सा टिप दे दूं, इसका अगर आपको ये बल्ब चेंज करना है टाटा हैरियर में D5S की, चलिए मैं आपको बल्ब भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बल्ब का सॉकेट यहाँ है पोजिशन। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये DRL निकालना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको 2 10 नंबर के बोल्ट्स मिलेंगे, और इसके नीचे में ये लॉक्स हैं जो कि यहाँ फिक्स होते हैं। आप हल्का सा स्क्रू ड्राइवर से आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा DRL बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं बल्ब को। वेट अ मिनट। और D5S की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एडिशनल क्लिप्स नहीं होते हैं जो उसमें फंसे होते हैं, ये बस हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज आप इसे घुमाएंगे तो बल्ब आपकी बाहर आ जाएगी। एक कैमरा से संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है दोस्तों, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसकी बल्ब निकल गई है, आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम जो मैंने Audi की प्रोजेक्टर खोली थी वैसे ही है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट और 25 वॉट की है, और ये हमारी LED जिसे अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसमें हालांकि आप देख सकते हैं 3 पिन दिए हुए हैं, और इसमें भी 3 पिन दिए हुए हैं, पर इसकी जो सॉकेट है उसमें सिर्फ 2 ही वायर्स हैं,
ये ग्रीन वाली जो है ये पॉजिटिव है और ये जो ब्लैक वाली है ये नेगेटिव है। तो चलिए आगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं इसकी विजिबिलिटी कैसी है। तो दोस्तों हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है लो बीम का, जिसमें हमने एलईडी डाली है। अभी सारी चीज़ें ऑफ है, बस डीआरएल ऑन है, आप देख सकते हैं। पर इसमें फिटिंग इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। खैर चलिए अभी मैं लो बीम चालू करता हूँ, जो अभी हमने एलईडी डाली है। ये आप देख सकते हैं ये लो बीम है अभी, और कवरेज बहुत अच्छी ले रही है। 90 वॉट डी सीरीज एलईडी है। आप देख सकते हैं अभी फॉग लैम्प भी ऑन नहीं है, सिर्फ लो बीम पर है। आपको चलिए मैं कार के अंदर से भी दिखाता हूँ कि विजिबिलिटी कैसी है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये कार के अंदर से कुछ ऐसी लग रही है, और रेंज बहुत ही अच्छी ले रही है ये। कलर टेम्परेचर 6000 केल्विन के 6000 केल्विन ही है ये। अभी मैं आपको हाई बीम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये हाई बीम। और इसमें जो हमने हाई बीम इंस्टॉल किया है वो है नोव साइड की एलईडी है, काफ़ी दिन चल गई ये भी। और फॉग लैम्प्स में हमने जो इसमें लगाई है वो है नाइट आई की एलईडी। इसका पुराना वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी सिर्फ हाई बीम ऑन है, फॉग लैम्प्स अभी ऑफ हैं। मैं लो बीम करके आपको फॉग लैम्प्स की भी लाइट दिखाता हूँ कि कैसी आ रही है एक बार। ये आप देख सकते हैं ये फॉग लैम्प अभी ऑफ है, ये हमने फॉग लैम्प ऑन कर ली। आप देख सकते हैं साइड की कवरेज काफ़ी अच्छी बढ़ गई है इससे। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा ड्राइव करके अभी आपको दिखाता हूँ कि इसकी विजिबिलिटी कैसी रखती है रोड पर। चलिए आप देख सकते हैं अभी सिर्फ गाड़ी लो बीम पर है, और पहले के मुकाबले इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है। एक्चुअली गाड़ी को जल्दी डिलीवर करने के चक्कर में मैं आपको दिखा नहीं पाया कि इसकी जो 25 वाट की बल्ब जो ज़िनॉन बल्ब आती है उसमें इसकी रोशनी कैसी रहती है। पर अगर आप चाहें तो 25 वाट की जो ज़िनॉन बल्ब है वो मैंने ऑडी में चेंज की थी, उसमें भी सेम विजिबिलिटी में थी। तो आप मेरी ऑडी के वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। नए कैमरे में फोकस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पुराना ही फोन ज्यादा अच्छा था। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये गाड़ी अभी लो बीम पर है और विजिबिलिटी इसकी कैसी आ रही है। इसकी रेंज काफ़ी अच्छी आ रही है दोस्तों, लाइट की कोई कमी नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि रोड में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ना फॉग लैम्प्स ऑन है और ना ही हाई बीम। लाइट इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। आप हाई बीम मैंने किया, आप देख सकते हैं आने वाले ट्रैफिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये मैंने अभी हाई बीम किया, काफी अच्छी लाइट है इसकी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इतना देखने के बाद। और अभी के हैरियर में और सफारी में लाइट इंस्टॉल करना इतना भी आसान काम नहीं है,
जब तक हाथ नहीं छिलेगा तब तक लगता नहीं है कि इसमें लाइट लगी है, ये गाड़ी खून मांगती है। खैर चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब याद से करिए, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। वीडियो देख के मत जाया करो यार, हालत ख़राब हो जाता है एक वीडियो बनाने में मेरी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अंश कस्टम्स।